नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजू कुमार पटेल और स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम मेडिकल ज्ञान है। दोस्तों, यहां दवाइयों से रिलेटेड सारी जानकारियां दी जाती हैं। तो बात कर लेते हैं आज के टॉपिक के बारे में। तो दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है क्लीन सॉल साबुन या क्लीन सॉल सोप, जो कि एक एंटी एक्नी सोप है। ये पिम्पल्स में काम आते हैं, और ये किस प्रकार के पिम्पल्स में काम आते हैं, और ये क्या डार्क सर्कल को हटाने के काम में आता है या नहीं आता है, और इसमें जो मिला हुआ इंग्रेडिएंट है क्या क्या है, इसी के बारे में आज पूरे टॉपिक पे चर्चा करेंगे दोस्तों। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। बता दें दोस्तों कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और हमसे जुड़ जाइए, ताकि जब भी मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे और आप घर बैठे बैठे मेडिकल से जुड़ी हुई या मेडिसिन से जुड़ी हुई सारी जानकारियाँ प्राप्त कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का वीडियो। तो हमारे हाथ में देख सकते हैं क्लीन सॉल सोप है। बात कर लेते हैं दोस्तों इसके मार्केटिंग प्राइस की। तो दोस्तों, ये मार्केट में लगभग ये 75 रुपये के आसपास में आपको मिल जाएगी। 75 रुपये में ये 75 ग्राम की क्रीम आपको मिल जाएगी। ये किसी भी केमिस्ट दुकान पर या मेडिकल स्टोर से आप जा कर के इसे इजीली ख़रीद सकते हैं। इसको बनाने वाली कंपनी की अगर बात करें दोस्तों, इसको जो बनाने वाली कंपनी है वो लिफोर्ड कंपनी है। तो लिफोर्ड कंपनी ने इसे बनाया है। बात कर लेते हैं इसके अंदर क्या क्या मिला हुआ है, इंग्रेडिएंट क्या है। तो इसके अंदर दोस्तों टी ट्री ऑयल है, और साथ में विटामिन ई मिला हुआ है, जो कि आपके पिंपल्स में बहुत अच्छे से काम आता है। तो चलिए बात कर लेते हैं पिंपल्स के बारे में। तो दोस्तों, पिंपल्स क्या होता है, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके चेहरे पे काले काले धब्बे, दाग टाइप के, फोड़ा फुंसी टाइप के निकलने लगते हैं जगह जगह, उसी को पिंपल्स बोलते हैं। उसमें ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स जैसे चीज़ें बन जाती है, जिसकी वजह से उसमें बैक्टीरिया ग्रोथ करने लगता है, फिर वो पकने लगता है, उसमें घाव टाइप का हो जाता है। तो इन्हीं सब चीज़ समस्याओं को ख़त्म करने के लिए क्लीन सॉल सोप है। ये एंटी एक्नी सोप है, यानी कि आपके जो पिंपल्स और एक्नी होते हैं उसको ख़त्म करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें जो टी ट्री ऑयल है, जिसमें टी ट्री ऑयल है, ये क्या करता है, ये आपके चेहरे से जो एक्सेस ऑयल होता है उसको हटाने का काम करता है, साथ में आपके चेहरे को नरिश बनाने का काम करता है। और ये एंटी बैक्टीरियल एजेंट है, यानी कि आपके जो भी पिंपल्स में बैक्टीरिया ग्रो कर जाते हैं, जिसकी वजह से बैक्टीरिया की वजह से आपके पिंपल्स होते हैं, उसको क्या करता है, ये टी ट्री ऑयल हटाने का काम करता है, उसको ख़त्म करने का काम करता है और चेहरे को नरिश बनाने का काम करता है। बात कर लेते हैं दोस्तों इसमें जो दूसरा इंग्रेडिएंट मिला होता है, दूसरा इसमें जो मिला हुआ है वो विटामिन ई है। विटामिन ई के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं, विटामिन ई जो हरी वाली गोली मार्केट में अवेलेबल हो जाती है, तो इसमें विटामिन ई मिला हुआ है। विटामिन ई क्या करता है कि जो भी आपके पिंपल्स या एक्नी के दाग धब्बे रहते हैं उसको हटाने का काम करता है, साथ में ये भी आपके चेहरे को नरिश बनाने का काम करता है, मुलायम बनाने का काम करता है, और साथ में साथ आपके नए स्किन को लाने का काम करता है। और विटामिन ई का जो यूज़ है दोस्तों, ये चेहरे के जो भी डार्क सर्कल होते हैं, दाग धब्बे होते हैं, उसको हटा करके पिंपल्स को भी हटाने का काम करता है, और साथ ही साथ में ऑक्सीजन कैरी करने का काम करता है, जिसकी वजह से आपके चेहरे में भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन मिलती है, जिससे आपके चेहरे पर निखार आती है। तो ये है एक्नी एंटी एक्नी सोप क्लीन सॉल के बारे में कुछ जानकारियाँ। बात कर लेते हैं दोस्तों इसके यूज़ के बारे में, कि इसको कैसे यूज़ करना है। तो ये सोप है दोस्तों, इसको क्या कर सकते हैं आप, दिन में एक बार या दो बार या तीन बार इसको लगा सकते हैं। बता देते हैं कि कौन एक बार लगाएगा, कौन दो बार और कौन तीन बार। तो दोस्तों, जिसका स्किन जो होता है ज़्यादा ऑयली होता है, वो दिन में लगभग तीन बार इसको लगा सकते हैं। ये क्या करता है, आपके स्किन को ड्राई भी करने का काम करता है। तो जिनके स्किन से हमेशा ऑयल टाइप के निकलते रहते हैं, वो दिन में इसको तीन बार ट्राई लगा सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। इससे अपना फेस को धो सकते हैं, यानी कि मुंह को धो सकते हैं। ये पूरी बॉडी पे अप्लाई करने के लिए नहीं आती है, सिर्फ उसी जगह पे अप्लाई करें जहाँ जहाँ आपको पिंपल्स हैं। तो बात कर लेते हैं, और दोस्तों इसको दो टाइम वो लगा सकते हैं जिनकी स्किन क्या है, बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं है ना बहुत ज़्यादा ड्राई है, बीच में है, तो आप इसको दो बार ट्राई कर सकते हैं। और अगर किसी की स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई रहती है और ऑलरेडी उनकी स्किन ड्राई है, तो वो क्या करें, दिन में इसको एक बार इससे मुंह धोए, ताकि उनका स्किन और ज़्यादा ड्राई ना हो पाए। अगर उससे ज़्यादा भी अगर किसी की ड्राई है, तो इसको दो दिन में एक बार यूज़ कर सकते हैं। ये पिंपल्स को हटाने के और एक्नी को हटाने के काम में आ जाता है। बात कर लेते हैं दोस्तों इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में, कि अगर इसमें क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं अगर इसको आप यूज़ कर सकते हैं, अगर किसी को सूट नहीं किया ये साबुन। तो चेहरा ड्राइनेस हो सकता है, साथ ही साथ में आपको ईचिंग हो सकती है, खुजली हो सकती है, और रेडनेस जैसी चेहरे पे आ सकती है, आपका चेहरा थोड़ा लाल हो सकता है। तो ये कुछ इसके साइड इफ़ेक्ट हैं, किसी किसी में देखने को मिलता है, सब में देखने को नहीं मिलता। तो दोस्तों, ये थी क्लीन सॉल साबुन के बारे में कुछ जानकारियाँ।
उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों आपको ये साबुन सूट नहीं करता तो इसका जेल भी आता है, आप उसे ट्राई कर सकते हैं। या पिंपल्स के बारे में और जानकारियाँ चाहिए तो ऑलरेडी मैंने कई वीडियो बनाया है पिंपल्स के बारे में, एक्ने के बारे में, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वहाँ से भी जा करके वीडियो को पूरा देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ उसे एक लाइक दें और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।